हेलो एवरीवन बेटा आई एम सो सॉरी मैं 10 बजे एकदम एग्जैक्टली नहीं आ पा रही थी तो मैंने सोचा चलो क्लास ऑफ कर देते हैं फिर मुझे खुद एहसास हुआ कि भाई बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं 10 बजे इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं खेडी लाइव में अपने सारे टीचर्स के साथ पढ़ा रही थी और बेटा आज मैं आपको वही सिनोनिम्स आगे लेके बढ़ूंगी और फिर एम का जो पेपर कर रहे थे उसमें चलेंगे बेटा सब क्या ध्यान रखना पड़ता है इमरान अली इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो कल आपके एम का पेपर कराएंगे आज बेटा पहले कुछ पढ़ ले क्योंकि सिनॉनिम्स भी जो वॉल्यूम वन का था वो इक्वली इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से प्लीज़ इसको आज शेयर कर लो और जल्दी से लाइक कर लो ताकि हमारे सारे बच्चे जो 10 बजे इंतजार कर रहे थे जाके सो गए हैं वो भी उठ के आ जाए तो जल्दी से सेशन को शेयर कर लो और मैं चलती हूँ बस सीधा काम पे क्यों काम पे क्योंकि भाई हम लोगों को आज बहुत कम समय मिलेगा और हमें ज़्यादा से ज्यादा खत्म करना है आइए हम चलते हैं अपने 220 वो से आगे ठीक है आ जाओ सॉरी बेटा मुझे था कि मैं कैसे आऊँगी क्योंकि सारे टीचर्स यहाँ बैठे हुए थे फिर मैंने सबको समझाया कि सर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं इसीलिए चाय पानी हो गया अब मैं चलती हूँ क्लास लेने आजा बेटा स्क्वेंडर हम ऐसे याद रखें बेटा स्प्लेंडर पे बैठ के अब पापा के जो पैसे को स्क्वेंडर करते हो ना बहुत खराब लगता है मतलब घू 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 अपने स्प्लेंडर को चलाते रहते हो पेट्रोल फूकते हो और अपने पापा के पैसे को स्क्वाणर करते हो स्क्वाणर का मतलब वेस्ट स्क्वाणर का मतलब आप जो बर्बाद करते हो ना वो स्क्वांडर करते हो इसका सिनोनिम होगा मिस यूज इसका सिनोनिम हो गया मिस यूज जो उसको गलत तरीके से आप बर्बाद कर रहे हो उसको कहते हैं स्क्वेंडर यानी बर्बाद करना स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट बेटा एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है खर्चीला मतलब कहेंगे पापा क्या कि मेरा बेटा बहुत खर्चीला हो गया आजकल लेकिन बेटा खर्च करना एक्सपेंसिव अलग चीज है आप एक्सपेंसिव चीजों पर खर्च करते हो क्योंकि आप क्या कर रहे हो पैसे को वेस्ट कर रहे हो एक्सपेंसिव अलग चीज है एक्सपेंसिव का मतलब होता है जिसको खरीदने में बहुत पैसे लगे कॉस्टली एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्टली कॉस्टली चीजें बहुत ज्यादा होता है महंगा जिसमें आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे करते हो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे करते हो बेटा जो चीज़ हमें बहुत डियर होता है ना उसका दाम भी डियर हो जाता है जो हमें बहुत डियर होता है उसका दाम भी डियर हो जाता है इसलिए हम कहेंगे डियर देखते हो हमारे इंडिया में लाविश मैरिज होता है बेटा लोगों का बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग नहीं प्रोडिकल तो बेटा साहिब वेस्टफुल होता है ना वेस्टफुल हम वेस्ट की बात कर रहे हैं हम वेस्ट की बात कर रहे हैं ठीक है लिट्टर इधर उधर लिटर मत करिए कहते हैं ना इधर उधर लिटर मत करिए लिटर मतलब इधर गंदा कर रहे हो उधर गंदा कर रहे हो यानी जगह जगह आप गाबेज फेंक रहे हो ऐसे लिटर का मतलब बेटा गाबेज भी होता है लिटर का मतलब गार्बेज फेंकना भी होता है इसलिए मैं डेबरिस गाबेज गार्बेज ठीक है यानी कूड़ा करकट एक्स्ट्रा वेगियट बेटा बहुत सही है कॉस्टली का आप एक्स्ट्रा वेगेंट लेकिन वेस्टफुल होता है बेटा एक्स्ट्रा वेगियंट ठीक है लिटर का मतलब हुआ रबिश गंदगी जो होते हैं रबिश फेंकते रहते हैं उधर उधर रबिश इसका मतलब ट्रैश भी होगा ट्रैश लिटर का मतलब जो कूड़ा करकट होता है ना उसको कहते हैं ठीक है क्या है डेबरी डेबरिस लिखते हैं लेकिन बोलते हैं डेबरी गाबेज इन सब का मतलब कूड़ा बेटा कूड़ा करकट करना भी तो लिटर होता है लिटर नाउन और वर्व दोनों होता है ठीक है समझ में आया नेक्स्ट आओ इकोनॉमिकल बेटा कुछ लोग इकोनॉमिकल को फ्रूगल समझ लेते हैं बेटा आपकी माँ देखोगे पैसे बहुत बचा बचा के चलती है ना कई बार आप कहते हो या कंजूस है बेटा कंजूस नहीं है वो वो इकोनॉमिकल है इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो समझदारी से पैसे खर्च करे ठीक है समझदारी से पैसे जब खर्च करते हो ना तब आप इकोनॉमिकल कहलाते हो इसको आप प्रोविडेंट कह सकते हो प्रोविडेंट देखते ना प्रोविडेंट फंड जो होता है आपका बचा के रखते हो अपने फंड में से बाद में आपको मिलता है एक साथ तो कितना अच्छा लगता है प्रोविडेंट कह सकते हो प्रूडेंट भी कह सकते हो क्योंकि प्रूडेंट भी होता है समझदार होना इकोनॉमिकल का मतलब हो गया प्रोविडेंट प्रूडेंट ठीक है ओके चीप बेटा कॉस्टली का एंटोनिम आप कह सकते हो चीप सस्ता कॉस्टली और एक्सॉबिटेन का चीप कह सकते हो इनएक्सपेंसिव कह सकते हो देखो एक्सपेंसिव का एंटोनिम तो इनएक्सपेंसिव होगा ही उसको छोड़ो इकोनॉमिकल का मतलब प्रूडेंट बेटा फ्रूगल लिखोगे ना नहीं माइजरली कंपुरिया माइजरली फ्रूगल थ्रिफ्टी टाइट फिस्टेड क्लोज फिस्टेड स्किन फ्लेंट बेटा वो सब होते हैं कंजूस। इकोनॉमिकल आप अपनी मां को बोलोगे आप खुद को कह सकते हो कि मैं इकोनॉमिकल हूं देखो बेटा वो कैब का बुक फ्लिपकार्ट से अगर लोगे तो बेटा आपको गलत बुक मिल सकता है आप डेकोमार्ट से ले लो अजय वर्मा वो इसलिए रिटर्न पॉलिसी नहीं रखे हैं क्योंकि उनको आपको फर्जी बुक थमाना था थर्टी एट बैच का क्लास हुआ है बेटा अपलोड कल होता है सुनील एक दिन बाद अपलोड होता है क्लास हुआ है अ ओरिजिनल वाले लिंक बेटा केडी पब्लिकेशन से लो बेहतर होगा इंप्रूडेंट हुई जो प्रूडेंट का इंप्रूडेंट हो गया बेटा छोड़ो ना अब हम सेम वर्ड को हम आगे बनाए क्या फायदा नेक्स्ट आओ बेटा ये सारा जो है ना पूरा कंप्लीट वॉल्यूम वन में चला जाएगा ठीक है आ नेक्स्ट बेटा एबेटेड एबेट ऐसे याद रख सकते हो कि अब इसको अबेट कर दो यानी कि इसको लेट कर दो यानी थोड़ा पीछे कर दो है ना अब इसको लेट कर दो यानी थोड़ा पीछे कर दो अबेट कई बार लोग बोलते हैं भाई हमको अपना पेट अबेट करना है तो ऐसे भी समझ सकते हो अबेट मतलब कम करना जैसे कोई टेंशन हो बेटा दिल्ली पुलिस का बेटा ऑनलाइन बैच बहुत बढ़िया आया हुआ है आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और ले लो वहां से स्टेनोग्राफर का पेपर करा दूंगी बेटा बिल्कुल करा दूंगी थोड़ा सा टाइम दो है ना अबेट मतलब कम करना रिड्यूस कई बार लोग कहते हैं भाई अपने पेट को अबेट करना है बेटा अबेट वहाँ यूज नहीं करेंगे लेकिन हाँ ठीक है ऐसे याद रख सकते हो अबेट मतलब कम करना जैसे टेंशन बहुत बढ़ रहा है सरकार को कुछ करना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम होता रहता है इस टेंशन को अबेट करने के लिए रेड्यूज करने के लिए अबेट का मतलब रेड्यूज यानी कि जब आप किसी चीज को अबेट करते हो तो याद रखना आप उसको रिड्यूस करते हो उसको डिमिनिश करते हो ठीक है उसको रिसीड करते हो रिड्यूस्ड है तो डिमिनिस्ड लगा दूंगी मैं थर्ड फॉर्म रिसीडेड लगा दूंगी ठीक है ना लोअर्ड नीचे किया हमने उसको कम कर दिया लोअर्ड देखो इन सब का मतलब हो रहा है कम करना मॉडरेटेड यस बुशरा मॉडरेटेड ठीक है हां डिक्रीज डिक्रीज करना कम करना डिक्रीज करते हो तो कम करते हो बेटा टाइट जानते हो ना फ्लो एक बार बहता है और एक बार एब कहलाता है, है ना ज्वार भाटा एब मतलब जब पीछे हटता है तो उसको हम एब्ड कह सकते हैं बुशरा ने बहुत अच्छा दिया मॉडरेटेड कम हुआ पड़ा वेरी गुड स्टेनो का पेपर बेटा करा देंगे हम्म hmm. 23 का बैच का कंटेंट्स बता दो बेटा मैं एक काम करूंगी उसके सिलेबस का पीडीएफ डाल दूंगी के डी लाइव में अभी थोड़ी देर में ठीक है ना आपको पीडीएफ ही दे दूंगी ठीक है नेक्स्ट आओ डिक्रीज हो गया बेटा मॉडरेटेड बिल्कुल सही है लोअर हो गया लेसेंड देखो वी एच ए ने लिखा है लेसेंड एक और वर्ड याद आ रहा है मुझे एसेंचुएटेड uh, ये इसका मतलब ये होता है कम करना, एसेंचुएटेड कम करना ऐसे फील करो यार, से बना है lessened, रहे? और इसका बेटा वॉल्यूम वन में चले जाओ दो सो बाईस में हम लोग हैं। बेटा अगर इसका एंटोनिम की बात करोगे तो एंटोनिम इसका हो जाएगा बढ़ाना बेटा एस्केलेटर में चढ़ते हो ना एस्केलेटर में चढ़ते तो कहां जाते हो ऊपर जाते हो है ना तो जनरली हम एस्केलेटर में तो इसलिए यूज करते हैं बेटा कि ऊपर जाने के लिए इसीलिए एस्केलेटेड वाह बहुत अच्छा वर्ड एक दिया मुझे अभी किसी ने मिटिगेटेड सब्ट्रैक्टेड नहीं बेटा मिटिगेटेड हां गुजर ने दिया है मिटिगेटेड यस मिटिगेटेड तो मिटिगेटेड वर्ड आपने जैसे बोला ना बेटा तो मेरे दिमाग में एलिविएटेड भी आ गया एलिविएटेड कम करना के लिए एस्केलेटेड बढ़ा देना एंटोनिम यस एडवांस्ड देखो सारा एंटोनिम लिखवाना शुरू कर दिया आपने मुझे हाइट ऊंचाई तो हाइट एंड बढ़ाना है ना इंक्रीज तो डिक्रीज का एंटोनिम हो ही गया नहीं मशरूम्ड मशरूम mushroom होता है बहुत ज्यादा फैल जाना यस yes, मशरूम्ड ठीक है यस yes. और जैसे कहते हैं ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी कहते हैं बूस्ट पी के आपके हाइट को बूस्ट मिल जाता है है ना तो बूस्टेड भी हो गया देखो एन वेरी गुड लिफ्टेड एनहांस्ड वेरी गुड साहेब एनहांस्ड ठीक है? अंकित एन लार्ज नहीं बेटा सागर नहीं प्यूनी छोटा सा होता है छोटा है ना वो भी नहीं वॉल्यूम खेरी, खेरी पब्लिकेशन से लोगे। तो थोड़ा सा होता है बेटा नहीं चलो हो गया नेक्स्ट आओ वैनिश बेटा, वैनिश का मतलब गायब भूत देखते हो अचानक गायब हो जाता है, है ना एक अचानक गायब होता है disappeared, vanish कहते हैं वैनिश vanish, vanish देखे हो ना एक डिटर्जेंट पाउडर भी है है ना तो क्या कहते हैं उससे बिल्कुल वैनिश हो जाता है सब कुछ जो भी है उस पर दाग गायब हो जाएगा डिसअपियर्ड इसको हम कह सकते हैं जैसे तो कहते हैं हवा में गायब हो गया बनके है ना तो उसको इवेपोरेटेड भी कहेंगे जैसे लगा धुआं बन के गायब हो गया राइट ऑफलाइन स्टूडेंट 41 से मोस्ट वेलकम आज मेरे साथ ऑफलाइन का शिवम भी यहीं बैठा हुआ है <laughs> नहीं धीरज कैंडिडेट का मतलब तो फ्रैंक होता है बेटा समझ में आया देखो एक एक वर्ड का बेटा मैं कितना सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर रही हूं अंकित लेटेंट का मतलब होता है बेटा छिपा हुआ है ना लेटेंट अलग होता है आ जाओ इंक्रीज अब एक बात बताओ मैं इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हम डिस्कस करें बेटा इंक्रीज का सारा एंटोनिम इधर हो गया है ना सारा सिनोनिम इधर हो गया इसका मतलब है कि हमें जरूरत ही नहीं है इसको डिस्कस करने का हम सीधा यही लिख दें कि रेड्यूस्ड का एंटोनिम इंक्रीज अब इंक्रीज तो हो ही गया पूरा डिस्कस बेटा स्टेबिलाईज जब आप स्टेबिलाईजर यूज करते हो घर में तो क्या करते हो कि भाई बिजली बहुत अप हो जाए या बहुत डाउन हो जाए तो उसको स्टेबलाइज कर दे बहुत ऊपर नहीं बीच मिला दे बहुत नीचे नहीं बीच मिला दे यानी आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो खराब ना हो है ना क्यों क्योंकि वह बिजली को स्टेबलाइज करते हैं वैसे ही बेटा इसका मतलब होता है कि उसको बैलेंस कर रहा है, है ना बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं हो है ना स्टेबिलाईज मतलब बेटा इक्विलिब्रियम बीच में लाके इक्वल मेल छोड़ दिया है ना तो इक्वली इक्वली इक्वलि तो, एक सेकेंड मुझे देखना दो मुझे लग रहा है इक्वलीब्रियम का जो होगा वो होना चाहिए इक्विलिब्रेट होना चाहिए था एक सेकेंड रुकना इक्विलिब्रेट होता है हम्म, बताओ नहीं, डिसिपेट नहीं होगा बेटा बी आर ए टी ई होना चाहिए यस yes. जो सोचा था बिल्कुल वही है इक्विली ब्रेट बी आर ए टी क्योंकि मुझे बेटा वर्व चाहिए था बैलेंस इक्लिब्रियम मैं जान रही थी वरुण, तुम लोग इक्लिब्रियम लिखोगे बेटा मुझे वर्व चाहिए था क्योंकि यहां पे स्टेबिलाई है स्टेबिलाई मतलब बैलेंस्ड, ब्रेटेड हो जाएगा फिर है ना यानी बराबर पर ठीक है इसका मतलब क्या है डिस इवेप्यट का मतलब गायब ठीक है बैलेंस्ड इक्ब्रिएटेड का मतलब बराबर पर बराबर पर इक्वी मतलब बेटा इक्वल होता है इक्वल होता है इसका मतलब ठीक है और ये सब जो था ऊपर इसका मतलब है कम और इंक्रीज हाइट इन मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ जिसको कहोगे बढ़ा हुआ है ना देखो क्लियर हिंदी में लिख दे रही हूं मैं रजनेश बिल्कुल सही अब अब आओ नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान से बहुत ध्यान से देखना बेटा एब्रोगेट का सिनोनिम रिपील है का मतलब होता है कि भाई जैसे 370 जो आर्टिकल है क्या किया गया हटा दिया गया आप अगर आईपीसी देखोगे ना अच्छा हमारे जो आईपीसी में आकर देखोगे उसमें जानते हो क्या है इंडियन पीनल कोड में 303 सेक्शन खोजने की कोशिश करना वहां लिखा रहेगा रिपील्ड रिपील्ड मतलब हटा दिया गया 370 जैसे हटा दिया गया कि अब यह लागू नहीं है यानी एब्रोगेट और रिपील का मतलब होता है आम, निरस्त करना खत्म करना अब वो चलन में अब वो नहीं रख सकते हो आपके कानून में अब वो नहीं है रिपील्ड revoked, ठीक है रिप्यूडिएट रिवोक्ट ठीक है ये इसका मतलब हुआ अब वो चलन में नहीं है उसको खत्म कर दिया गया है ठीक है यानी उस पर दूसरा नियम बना दिया गया तो वो रूल को ओवर रूल कर दिया गया यानी अब वो रूल के ऊपर भी एक और रूल आ गया तो वो रूल क्या हो गया उसके ऊपर एक ओवर आ गया रूल उस रूल को पलट दिया गया पलटना इज टर्न ओवर टर्न ओवर रूल रेसेंट बेटा सी साइलेंट है रिवोक ठीक है देखो ये वर्व के रूप में आ रहा है ठीक है नेक्स्ट आओ डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का मतलब नाश करना नाश करना अरे ये क्या हुआ नाश करना जैसे डिमोलिश बेटा ध्वस्त कर देना जानते हो डिमोलिश में ऐसा फील करो ना बेटा कि जैसे नीचे खड़े होकर बिल्डिंग को मैंने खींच के नीचे गिरा दिया यानी पुल डाउन कर दिया ठीक है उसकी जितनी लोहे वगैरह है जितने मेटल है उसको हमने याद रखना क्या कहा मैंने जितने मेटल है उसको डिसमेंटल कर दिया क्या कहा जितने मेटल है उसको डिसमेंटल कर दिया डिसमेंटल वाइप आउट वेरी गुड बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने वाइप आउट इसका मतलब नाश कर देना ध्वस्त कर देना सुदेश वेरी गुड एनी ही लेट एनी लेट सुदेश वेरी गुड एनी ही लेट रूट आउट बहुत अच्छा देखो इतना अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ आज तो शाम को मैंने बच्चों को डांटा है मैं पढ़ा रही हूं मैं चाह रही हूं आप लोग वो क्या दो वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पूछ रहे हैं मैंने आज डांटा सबको यस आज मैंने एडमॉनिश किया रॉकेट्स एडमोनिश का मतलब डांटना होता है देखो नाश करना डिमोलिश पुल डाउन डिसमेंटल वाइप आउट एनिहिलेट इन सब का मतलब होता है ध्वस्त करना ठीक है हा स्मैश एंड शार्टर भी कर सकते हो स्मैश एंड शार्टर मेरे सारे शटर्स को किसी ने शार्टर कर दिया यानी सब शटर्स को तोड़ दिया किसी ने है ना चोर क्या करता है शटर को शटर करके सारा चीज वहां का सामान को वाइप आउट कर देता है है ना ऐसे याद रखो शटर को शटर करके सारा सामान वाइप आउट कर दिया एकदम साफ करके निकाल लिया ठीक है हो गया नेक्स्ट आओ बेटा डिले डिले का मतलब होता है देर करना अब डिले कर डिले का होता है देर करना बेटा इसका बहुत ही एक अच्छा वर्ड है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है और वो है अच्छा इसका एंटोनिम भी पूछ रहे हो बेटा इसका एंटोनिम तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बिल्ड हो जाएगा रेज यानी बढ़ाना हो गया रेज हो जाएगा इसका आप चाहोगे तो सिनोनी में आजेड ई लिख सकते हो ध्वस्त करना के लिए नाश करना ध्वस्त करना के लिए ठीक है यस हरीश वेरी गुड डेफ डेफ एक और है बहुत अच्छा वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट वेरी गुड विकास वही तो वर्ड चाह रही थी मैं वेरी गुड यही डिले का सिनोनिम में चाह थी ठीक है प्रोक्रेस्टिनेट होल्ड होल्ड मतलब रोकना अभी होल्ड पे रखो यानी कि अभी रोके रखो देखो अभी होल्ड पे रखो यानी कि अभी रोके रखो ठीक है हम्म कई बार कुछ जैसे कहते हैं ना कोर्ट में केस लिंगर कर रहा है लिंगर का मतलब ही होता है डिले कर रहा है ठीक है डिले का देखो इतना सारा सिनोनिम बताया बेटा इसका अगर एंटोनिम डिस्कस करोगे तो मेरे पास तो फिर जवाब जगह ही नहीं है एनीवे anyway, मैं यहां कर देती हूं 223 का बेटा आप लोग कॉपी लेके बैठोगे तो मजा आएगा इसका एंटोनिम होगा एक्सपेडाइट हड़बड़ा देना हेसन ये टी साइलेंट होता है बेटा हेस्टन नहीं बोलना हरी ये सब हुआ एंटोनिम का देखो किसका एंटोनिम एक डीले का एंटोनिम हुआ देखो एक्सलरेटर पर आप पैर दबाते हो तो गाड़ी क्या करता है स्पीड अप करता है यानी कि एक्सलरेट करता है है ना तेजी ही से भागती है गाड़ी राइट बोलो यस कॉपी लेके बैठोगे ना बेटा तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे अब बताओ डिसमिस जब मैं लिखूंगी तो कहोगे मैडम पीडीएफ में दिखा ही नहीं तो इसलिए मैं कहती हूं बेटा पीडीएफ में थैंक यू सो मच आप लोगों ने शेयर किया और ये 1000 पहुंच गया मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं क्लास लूंगी आज 1000 पहुंचेगा भी क्योंकि बच्चे इंतजार करके जा चुके थे और जानते हो मेरे मन में खलबली सी मची हुई थी कि टीचर लोग जल्दी से खा पी के निकल ले यार मेरा क्लास लेट हो रहा है लेकिन सच कहे तो जब टीचर्स हम लोग बहुत दिनों बाद एक साथ मिलते हैं ना तो गप ही गप चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि जब मिलते हैं और खास कर आज रंजीत सर भी आ गए थे आगरा से तो हम लोग मजे से बैठे हुए थे चाय जब तक आए तब तो तक ठंडी हो गई फिर हम लोग बैठे रहे भाई दोबारा चाय आए चाय गर्म आए लोग टीचर्स भी काफी थे तो फिर मुझे एक कचोट रहा था कि नहीं क्लास लेना चाहिए इसलिए सॉरी लेट हो गया डिसमिस डिसमिस जब किसी को नौकरी से कर दिया जाता तो क्या किया जाता है बाहर निकल बहुत हो गया चोरी चकारी कर रहे हो तुम एक्सपेल कर दिया जाता है बेटा यहां पे लिख रही हूं दिख रहा है ना देखो तो एक्सपेल कर दिया जाता है पीई एल -E ठीक है एक्सपेल देखो डिसमिस करते हैं तो उसको एक्सपेल कर देते हैं ठीक है हां इसको मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मुझे अगर स्पेस दोगे तो मैं अगले पेज में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 223 का डी है क्वेश्चन नंबर 223 का डी मैं यहां लिख दे रही हूं थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा एक होता है पिंक स्लिप देना उसका मतलब ये होता है नौकरी से निकाल देना टू गिव अ पिंक स्लिप बेटा इसका मतलब नौकरी से निकाल देना याद रखना मैं अभी इसका एक दो और इडियम बताना चाह रही यस फायर बहुत अच्छा टू सैक अब सुनो नौकरी में है धक्का मार के निकाल दिया गया कहते हैं ना धक्के मार के निकाल दिया गया टू गिव धक्के मार के निकाल दिया एक लड़की ने बहुत अच्छा लिखा है टू फायर यस नौकरी से निकालना इज टू फायर टू गिव पिंक स्लिप टू गिव बेटा बगल में बैठा है नौकरी से निकालना है चल हट ऐसे करते हैं ना वो भी है टू गिव एन एल्बो यानी नौकरी से निकाल देना टू गिव एन एल्बो नौकरी से निकाल देना देखो कितना है टू गिव स्लिप टू फायर टू गिव एन एल्बो है ना खुद ऐसे करो नहीं यार। बगल में बैठा है एल्बो मतलब कोहनी से मार के निकाल दिए सामने है धक्के मार के निकाल दिए ठीक है पिंग स्लिप टर्मिनेट वेरी गुड बेटा टर्मिनेट का मतलब जान से मारना होता है इसीलिए मैं टर्मिनेट वर्ड अलांग लिखना चाहूंगी तो ऐसे लिखूंगी हिज जॉब वॉज टर्मिनेटेड ठीक है कहेंगे बोलो कोई प्रॉब्लम हाँ, एक और है अच्छे पद से जब हटाया जाता है ना तो टी लगाते हैं कहते ना आउट कर दिया आउस्ट कर दिया बीच में एस लगा दिए बस आउट करना इज आउस्ट वेरी गुड वरुण वेरी गुड हो गया देखो और इसका एंटोनिम अगर पूछोगे तो मैं कहूंगी भाई एंटोनिम पूछ रहे हो तो किसी को नौकरी पर रखना एम्प्लॉय पद पर रखना अपॉइंट है ना ये होगा इसका एंटोनिम और क्या होगा ठीक है एम्प्लॉय रस्टिकेट अलग थोड़ा मीनिंग देते हैं बेटा चलो ठीक है आउट किया एस लगा दो बीच में आउट किया ऐसे याद रखना ना आउट आउट समझ में आया? चलो आ जाओ जितने लोग बच्चे यहां देख रहे हैं बुक में बेटा इसका आंसर 224 का पता नहीं किसी ने मुझे आज भेजा तो मैंने देखा बेटा इसका आंसर आप बी करोगे वहां शायद डी लिखा हुआ है बी करोगे एपस्ट्रीमियस बेटा मेरा टेम्पर बहुत कंट्रोल हो गया है तो मेरा टेम्पर टेम्परेट हो गया है मैं ऐसे याद रखूं मेरा जो टेम्पर है ना मेरा जो ये टेंपर है दिमाग जो गर्म होता है मेरा टेम्पर अब टेंट हो गया है यानी मैं अब कंट्रोल रहती हूं ऐसे में क्या कहूं मैं अब एब्सट्रीमियस रहती हूं क्योंकि मेरा टेम्पर टेम्परेट हो गया है अब कंट्रोल में रहती हूं अब एपस्टीमियस रहती हूं एबस्टीमियस अब एबियस क्यों मेरा टेम्पर टेम्परेट हो गया है यानी कंट्रोल होना देखो वहां पे अबेट कराया था ना वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है ठीक है 224 में आओ रेस्ट्रेंड यानी कि अब मैं अपने आप को बहुत रेस्ट्रेन करती हूं रेस्ट्रेंड देखो बोलो कोई प्रॉब्लम ठीक है कंट्रोल्ड, सेल्फ डिनाइंग बोलोगे? बिल्कुल ठीक है तो मैं फिर कहूंगी बेटा अगर ऐसे कहोगे तो फिर तो मैं ऑस्टियर भी लिख दूंगी कि भाई एकदम ऑस्टियर हो गई हूं मैं अब अब ज्यादा मैं अब बहुत चीजों में लिप्त नहीं रहती हूं है ना यूपी क्या आपका ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा बेटा मेरा ऑफलाइन बैच हर महीना एक आता है ठीक है इस महीने तेईस तारीख को आ रहा है ठीक है नहीं बेटा रोज इस समय नहीं रोज दस yes, करम, मैं दस बजे आती हूं यस धीरज प्लेसिड यानी कि काम कंट्रोल्ड मैं एकदम शांत हो गई हूं काम कंट्रोल्ड प्लेसिड मैं ऐसे अगर बोलू ऐसे सोचू ठीक है ना Yes. मतलब क्या बोला मैंने कि अब मेरा टेम्पर टेम्परेट हो गया है यानी अब 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 मैं क्या हो गई हूं अबस्टीमियस यानी एब्स्टीमियस हो गई है. अब मैं एबस्टीमियस हो गई है. ठीक है बेटा रेसिस्टेंट तो रोधक होता है शरीर ओके ठीक है शरीर का मतलब ही शांत होता है ट्रैंक्ल का मतलब ही शांत होता है बेटा देखते हो जानवरों को ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए नहीं हाँ सेल्फ डिनाइंग वेरी गुड बेटा अपने आप को कुछ चीजों से रोकते हैं तो हम सेल्फ डिनाइंग होते हैं और अगर कहोगे मैम क्या रखा है खूब मस्ती करिए ना मैं कहूंगी ना भाई अगर ऐसे में इंडलजेंट होती रहूं जैसे आज आगरा से सर पेठा लेके आ गए और मैंने उन लोग से बात करते करते मैं दो तीन पेठा निकाल लिया मैंने कहा हाय राम मैं इतना ज्यादा इंटलजेंट हो रही हूँ मीठे में इतना इंडलजेंट हो जाऊंगी मीठे में तब तो मुश्किल हो जाएगा इंटलजेंट मतलब मैं उसमें बहुत ज्यादा लिप्त हो गई हूं ठीक है यस yes. तब तो फिर क्या हुआ तो मोहित पात्रा पूछते हैं कि मैडम आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है मैंने कहा भैया तुम क्या चाहते हो पहले शुगर की बीमारी हो उसके बाद में खाना छोड़ू हा? तो इंडल मतलब होता है किसी चीज में लिप्त होना यस yes, में किस बुक से आज पढ़ा रहे थे बेटा मैं वोकैब्रेरी करा रही थी और वो वोकैब्रेरी बेटा मैं नीतू सिंह वोकैब चैनल में वो ए फोर शीट में दे दिया है मैंने आप उसको निकाल लो और मैंने अभी बच्चों से क्या कहा बेटा कॉपी खोलो बैठ के लिखो आपकी हैंडराइटिंग में रहेगी बाद में आप कंफ्यूज नहीं करोगे अच्छा ये क्या है ये क्या है, ये क्या है अभी पढ़ते जाओगे कि भाई ये सारा सिनोनिम है जिसका मतलब है कि परहेज में परहेज में शांत है ना कंट्रोल में और इंडलजेंट का मतलब मैम ने कहा है लिप्त होना किसी चीज में बहुत ज्यादा शामिल हो जाना इंक्लूड हो जाना लिप्त हो जाना राहुल थैंक यू सो मच बेटा Superstitious, बेटा सुपरस्टिशियस superstitious का कोई सिनोनिम नहीं होता यार अंधविश्वासी कह सकते हो इसको हाँ इसका अगर आप एंटोनिम पूछोगे तो मैं कहूंगी बेटा अगर तार्किक रहोगे ना तो अच्छा होगा रैशनल होगा आप सेंसिबल रहिए ना समझदार रहिए आप सुपरस्टिशियस मतलब बेटा तर्क कुछ नहीं रहता शनल रहते हैं एब्सटीनेंट बेटा एप्स्टिनेंट ऊपर लिखोगे अगर लिखना चाहते हो तो वो भी होता है कंट्रोल में देखो तुम लोग ही मुझे और वोबरी इंक्लूड करवाते चले जाते हो संद्रोक बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं लखनऊ में मेरा अभी कोई ब्रांच नहीं है ठीक है वो मैंने दिया था लॉकडाउन के पहले और उसके बाद वो मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह का किस मैं आप फ्रेंचाइजी देना बिल्कुल टोटली बंद कर चुकी हूँ क्योंकि मैं बच्चों को चाहती हूँ या तो बेटा आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ लो या मेरे पास ऑफलाइन आ जाओ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी ले के लोगों ने बच्चों को वो चीज़ नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था मुझे महसूस होता है फ्रेंचाइजी खासकर बेटा <coughs> एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि क्विक मनी कमाने का किसी के सालों के मेहनत पर एक संस्थान खोलकर तो मैं आप फ्रेंचाइजी नहीं दे रही हूँ हाँ कहीं भी पढ़ रहे हो मेरी किताब से पढ़ रहे हो मेरे से नहीं पढ़ रहे हो मेरी किताब से भी नहीं पढ़ रहे हो बेटा तुम मेरे बच्चे हो फ्री पढ़ने आ जाओ बस <coughs> मैंने कह दिया ना तुम कहोगे नहीं हम आपके स्टूडेंट नहीं है मैं कहूंगी तुम मेरे ही स्टूडेंट हो क्यों मेरे बच्चे हो आके चुपचाप से क्लास करो ज्यादा नोटंकी नहीं <coughs> ठीक है <coughs> आ जाओ एलिजियंस बेटा कभी कभी आपका किसी के प्रति बहुत वफादारी होता है तो वो वफादारी उससे क्या करता है परवीन जांगरा मैम आई एम टूडे सेलेक्टेड वेरी गुड बेटा मुझे फटाफट आप अपना आ, मेरे स्टूडेंट हो सुंदर सा फोटो भेज दो है ना और जल्दी से अपना रोल नंबर भेज दो ठीक है चलो एनालिस बेटा उस दिन ड्यूटी था आपको ड्यूटी छोड़ देना चाहिए था ना किसी भी बहाने हाँ एलिजियंस बेटा लॉयल्टी यानी किसी के प्रति आपकी जो वफादारी होती है वो आपका एलिजियंस कहलाता है देखो ठीक है बोलो कोई प्रॉब्लम एलिजियंस का मतलब वफादारी बेटा लॉयल्टी ओबीडियंस ओबीडियंस तो थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है इसका मतलब होता है फिडिलिटी बेटा फिड जब वर्ड देखोगे ना मैं आपको रूट पढ़ाऊंगी फिड का मतलब होता है विश्वास तो फिडिलिटी यानी विश्वास में आप वफादारी जो करते हो ना दैट इज कॉल्ड फिडिलिटी वेरी गुड मिस्टर गुर्जर वेरी गुड ठीक है ओके okay, केयरफुल का तो हम लोग ने किया ही नहीं था वेरी गुड केयरफुल तो छूट ही गया केयरफुल का मतलब क्या है सावधान केयर रखो केयरफुल रहो इसका मतलब बोलो जिंजरली वॉचफुल वॉच रखोगे तो वॉचफुल हो गए बेटा इसी पर एक और ईडियम भी है आर्गस आइड पता आर्गस आइड क्या है बेटा आर्गस नाम का एक राक्षस था जिसके अस्सी जोड़े आंखें थी ठीक है तो उसको जब नींद आती थी तो एक जोड़े आंख बंद करके सोता था और 79 जोड़े आंखों से वो चौकसी करता था इसलिए किसी को अगर आगस आग कह रहे हो इसका मतलब एकदम चौकस एकदम बिल्कुल ध्यान दिए हो सब चीज पर यानी हीडफुलड हीड, एच डबल e डी एफ यू एल हीडफुल तभी ही तो कह रही हूं लिखते जाओ मेटिकुलस देखो अब बताओ जब मुझे बच्चे देंगे मैं कैसे नहीं लिखूं और फिर आप कहोगे मैडम क्या क्या खिचड़ी बना दिया मैं क्या करूं यार तुम लिखते जाओ अब हाँ? बेटा क्लास में पढ़ाती हूं कि matters का मतलब होता है फियर तो Meticulous का मतलब होता है जब फियर से डर के मारे अब सावधान रहते हो ठीक है राजदेव बेटा क्लास नोट्स का न्यू एडिशन कितना बढ़िया समय पर पूछा तुमने पता है क्यों आज ही मैंने उसको फाइनल किया है 15, 20 दिन के अंदर आ जाएगा। yes, देखो मैथ्स ब्रांड साइड लिख दिया, है ना <coughs> अंकित धाकड़ ग्वालियर मैम आज दिल खुश हो गया रिजल्ट आया है बेटा आप लोगों का यही खुशी देखकर मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया और मुझे आज बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से इतनी रात में यार मैं क्लास ले पाती दिन भर का थकी हुई लेकिन तुम लोग का रिजल्ट ने ऐसा जोश भरा है ना प्रवीण जल्दी आओ और पूरा लड्डू का डब्बा लेके आओगे तुम और सीधा क्लास पहुंचना ठीक है चलो नेक्स्ट आओ बेटा देखो ध्यान से जो मैंने अभी कहा एलिजियंस एलिजियंस का मतलब हो गया हम्म एलिजियंस का मतलब मैंने कहा था लॉयल्टी में कहा था फिड का मतलब ही होता है विश्वास है ना फिड रूट है विश्वास का तो फिडिलिटी राइट लॉयल्टी फिडिलिटी बताओ कोई प्रॉब्लम ए आई आर बेटा अभी तक तो कांटेक्ट नहीं किया है लेकिन हाँ बहुत जल्दी बता देंगे आपको आज सबको छोड़ दो यार आज सब खुश है हूँ hmm? फेथफुलनेस येस वेरी गुड फेथफुलनेस फेथफुल होते हैं वफादार तो फेथफुलनेस देखो यह हुआ आपके एलिजियंस का सुनाने ठीक है एडहरेंस डिवोशन वेरी गुड डिवोशन होगा समर्पण स्टेड फास्टेस्टनेस ये भी होता है फास्ट फास्टनेस ठीक है हाँ, एक और वर्ड है बेटा ट्रूथ अगर आप में है तो आप ट्रॉथ है आप में समर्पण है आप में सच्चाई है ट्रॉथ कह सकते हो फिडिलिटी का सिनोनिम देखो कितना मैंने लिख दिया फिडिलिटी का सिनोनिम ध्यान से देखना बेटा फेथफुलनेस डिशन एंड इतने जिसका मतलब है लॉयल्टी देखो समर्पण वफादारी राइट right? सरवाइल बेटा सर्वेंट से ऐसा कोई बात नहीं आशीष रोने की बात नहीं है दो हजार बाईस में बहुत वेकेंसी है होगा अरे होगा कैसे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बस ये फील रखो ठीक है कहते हैं ना देखते हो शेर को बेटा शेर जब जख्मी होता है ना तो थोड़े देर छांद बैठता है अपना घाव सहलाता है आज रात तुम्हारा अपने घाव को सहलाने का दिन है आज रात को अपने घाव को आप सहलाओगे आज का रात आपको अपने घाव को सहलाने का रात है बेटा आप शेर हो आज बस अपने घाव जो जख्म लगा है सहला लो कल से फिर शिकार पे निकलना है समझे मैंने क्या कहा कुछ दिन का ये प्रॉब्लम है कि हाँ नहीं हुआ होगा ही बेटा और जब होगा ना तो सारे एग्जाम्स में होगा देखो रमेश को आई एम सेलेक्टेड ए एस ओ बस ये मैसेज देखकर मेरा दिन बन जाता है और आप लोगों को निराश देखकर मैं दुखी हो जाती हूं सच कहे तो अपने सुख और दुख पता नहीं कहां भूल आई मैं तुम लोग के साथ ही जी रही हूं <laughs> तुम लोग के साथ ही खुश होती हूँ तुम्हारे साथ ही दुख, दुखी होती हूँ मैंने क्या कहा आज फील करो आप शेर हो आपको जख्म लगा है आज रात में थोड़ा सा आराम करो अपने आप को सहलाओ थोड़ा सा शांत रहो कल से फिर शुरू हो जाएंगे यार और क्या क्या कहा मैंने जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना पटना कब आओगे राहुल राज में नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ बेटा पटना ठीक है आ जाओ बेटा ओबीडियंस जब आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हो तो आप में ओबीडियंस होता है ओबीडियंस का मतलब बात मानना है ना बिल्कुल डोसाइल कैसी वाइफ चाहिए आपको बोलोगे मैम ऐसी वाइफ चाहिए जो मुझे ओबे करे जो मेरी बात माने परवीन आप तो कल लेके आओगे मिठाई क्या समझ रहे हो मैं ऐसे थोड़ी छोड़ती हूं हा चलो यस, yes, डोसिलिटी और बेटा किसी के बात को पूरी तरह से मानते हो तो आप कंप्लायंस करते हो देखते हो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना पड़ता है बेटा कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना पड़ता है अभिषेक यादव आई एम सेलेक्टेड एम ई ए वाओ अभिषेक बस मैं आज ऑनलाइन रहूंगी आ, अपने व्हाट्सएप पे ठीक है मेरे व्हाट्सएप पे आज रात जितने लोग रिजल्ट आए हैं बेटा आप व्हाट्सएप कर देना प्लीज अपने सुंदर से फोटो के साथ और अपने रोल नंबर के साथ ठीक है पटना में बेटा हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर है हमारा इंस्टीट्यूट ठीक है बेटा सर्विलिटी बेटा सर्वाइल से बना है इसका मतलब होता है ना जैसे नौकर के जैसा राधे एयर फॉर्म है फॉर्म हजारीबाग झारखंड है ओके okay, तब तो मुझे देखना होगा कौन है हाँ अभी देखो बेटा मैं शाम से बिजी हूं पता है आपको मुझे साम, शाम से समय ही नहीं मिला है यस बेटा सबमिसिवनेस हो जाएगा ओबीडियंस का मतलब स, 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 बात मानने वाला एट वंस बैक एंड कॉल ओबीडियंट वो होता है बैक एंड कॉल बेटा वो ओबीडियंट के लिए बिल्कुल सही कह रहे हो अब आओ पैसिविटी देखो एक और आ गया सीपीयू में सेलेक्टेड लो, बस ऐसे ही भर दो यार मेरे कमेंट्स को सेलेक्टेड के साथ तीन स्टार लेके आओगे अंकित जिसको कहते हैं तथास्तु वो मैं कहूंगी तुम्हें ठीक है बेटा आप पैसिव समझते हो आप एक्टिव और पैसिव एक्टिव होते हो तो मेरे जैसा एक्टिवली काम करोगे पैसिव तो ऐसे बैठे रहोगे यानी इनएक्टिविटी इन एक्टिविटी इन जो होता है वो पैसिविटी होता है यानी एक्टिविटी आप में नहीं दिख रहा ठीक है ललथारजी दिख रहा है आप में लेजीनेस दिख रहा है यस लेजीनेस गुजरात कब आओगे अरे अनिल मैं गुजरात करूंगी क्या कहाँ आऊंगी मेरा कोई सेंटर ही नहीं गुजरात में तुम आ जाओ ना हाँ एक बार आके यहां पता करो हम लोग कैसा पढ़ाते हैं कैसे तैयारी करते हैं एडमिशन नहीं भी लेना हो यार तो घूमने तो आ जाओ प्रवीण मैंने क्या कहा सीजीएल के सारे बच्चे मेरे तो ज़रूर है क्योंकि ठीक है आप हमारे पास नहीं आए हो लेकिन इतना तो मैं जानती हूं बेटा कि वॉल्यूम वन तो पढ़ा होगा नहीं मैंने पता है क्या इंतज़ाम कर दिया है मैंने इंतज़ाम कर दिया है अपने अमर होने का अपनी किताबों से मर जाएंगे तो भी आपके हाथ में रहेंगे हाँ आपके दिल में रहेंगे कभी याद करोगे हाँ नीतू मैम अच्छा पढ़ाती थी और इतनी बढ़िया किताब लिखती दी है ना तो मैं अब पूरी कोशिश में हूं मास्टर लिख लिख के छोड़ जाऊंगे वो क्या लिखा अब मेरा ध्यान है डिटेक्टिंग एरर के बुक को 2022 तक अपडेट करने का यस धीरज इन एक्टिविटी आप कह सकते हो कि इन एक्टिविटी के साथ टॉपिडिटी है ना लेजीनेस ठीक है यार कहां लिखू मैं राइट मैंने दो हजार से 225 सो पच्चीस सच कर दिया है बेटा याद रखना थोड़ी देर में अभी बंद मत कर देना थोड़ी देर में इनको ये 221 से 225 इनको देना है मोहन चंद्र जीएसटी इंस्पेक्टर में हो गया अरे यार तुम लोग यहां रात में मुझे आके बता रहे हो मुझे व्हाट्सएप कर ही नहीं रहे हो है ना बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप तो आ गया है यार हा बेटा इस बार बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ है अब मैं चाहूंगी कि आप जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना प्लीज आके आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख जाना ताकि यस लेकेडिकल देखो बहुत अच्छे जो वोकेबलरी देते हैं बच्चे यार ताकि मैं यस लेकेल बेटा उसका होता है एनरवेटेड का होता है ठीक है यहां पे नाउन था इसलिए मैंने छोड़ दिया सीजीएल में सीपीओ में सब में अच्छे रिजल्ट्स होते हैं मैं चाहती हूं आप हमारे पास एक दिन जरूर आके या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके एक डेट ले लो जिस दिन मेरे साथ बैठ के आप अपने स्ट्रगल को डिस्कस करोगे खेडी लाइफ पर और मैं चाहूँगी बाकी बच्चे आपका स्ट्रगल देखकर बिल्कुल मोटिवेटेड हो केवल एस सीजियली नहीं पूरा एसएससी आपका बच्चा है श्याम सोनी थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच और मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ हमेशा आपके साथ है मैं बहुत बहुत मेहनत करूंगी आपके साथ बेटा मैंने आपको एक चीज़ बता देना है कितना दिन दस साल दस साल तक ही मैं मेहनत कर पाऊंगी अभी तो है ना उसके बाद मुझे भी तो आराम चाहिए लेकिन मैं इस दस साल में कम से कम मैं चाहती हूं कि दस लाख मेरे बच्चे निकले और वो बच्चे बाकी बच्चों को हेल्प करें कि कैसे आगे अपनी ज़िंदगी बनानी है बेटा अपने लिए कहते हैं ना अपने लिए एक जानवर भी इंतजाम कर लेता है जिंदगी उसकी सफल है जो दूसरों का भला करे मैंने क्या कहा मैंने अपना इंतजाम कर लिया कि मैं मरने के बाद भी अमर रहूंगी क्योंकि मैंने किताबें लिखी है बेटा अगर आप अपना सिलेक्शन करके पांच बच्चों को भी हेल्प कर दो कि उनको बता दो रास्ता सही रास्ता की कैसे तैयारी करना है बेटा सच मानो आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी बहुत सुख से सोगे चलिए मेरा आपके एक ही क्वेश्चन अगर मैं आज अभी से जीवन क्या जी जान लगा दूं तो क्या मेरा सी जी एल दो हजार तेईस में सिलेक्शन हो जाएगा अमित कुमार अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख दो कि मेरा होगा ही होगा और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरे तरफ से कहीं भी कोई इश्यू होगा मैं आपको जरूर हेल्प करूँगी कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा चाहे पर्सनल आए चाहे आपको पढ़ाई में आए मैं आपको हेल्प करूंगी मेरी फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच प्रवीण थैंक यू सो मच बेटा आपके माता पिता के आँख में आज आप महसूस करना आपके फादर के आंख में एक हल्का सा आंसू आया होगा क्योंकि आज बहुत खुश हुए होंगे वो वो जो खुशी के आंसू है ना प्रवीण आपने देख लिया ना आपका जिंदगी सफल हो गया सच मानो आज आपने गंगा नहा लिया घर में ही चलो अपने माँ बाप को सब लोग बेटा बहुत सुख दो उन्होंने बहुत कष्ट सहा है आप लोग जो भी अभी ज्वाइन किए हो मेरे पर मेरे साथ जो लेट आए हो प्लीज़ याद रखना आप मुझे मेरे मोबाइल पे अपना रिज़ल्ट विद फोटोग्राफ एंड फोन नंबर ठीक है अपना फोटोग्राफ चलो फ़ोन नंबर तो खैर मैसेज में ही होगा लेकिन आप ज़रूर भेज देना ताकि मैं आपका पूरा कंप्लीट सिक्स ज़ीरो डबल थ्री ट्रिपल ज़ीरो थ्री आपका रिज़ल्ट बता सकूं बच्चों को कि मेरे बच्चों का ये रिजल्ट हुआ है इस पर आप इस पे आप भेज देना टेलीग्राम पे नहीं सॉरी व्हाट्सएप पे और बेटा मैं अगले मंथ पटना आ रही हूँ तो आप मुझे बताओगे कि फ्री हो के किस दिन मिल सकते हो आप मुझे आ, संडे को फ्राइडे को किस दिन आऊंगी कि आप लोग कहीं जाओगे नहीं आप लोग सब मिल सकते हो मुझसे ये सोच के बताना चलिए अच्छे से समझ में आता है बहुत अच्छी बात है बहुत सीबीआई लो नेहा यादव मेरा भाई सीबीआई बी हो गया है बेटा तुम्हारे लिए कितनी खुशी की बात है और आज तुम भी मोटिवेटेड हो गई होगी नेहा कि अब हम भी फोड़ के छोड़ेंगे है ना हम्म अग्रम मैं करूंगी बेटा सारा टीयर टू का पेपर तो मैंने असेंबल कर लिया है जल्दी करा दूंगी चलिए अब आप लोग जाके आराम करिए मैं भी जा रही हूँ सोने संडे को अच्छा चलो आप लोग लिख देना मैं देखती हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते नहीं मैम फ्राइडे को आइए संडे को बच्चे घर चले जाते हैं और आप जो कहोगे जिस दिन कहोगे उस दिन पहुँचूँगी मैं ठीक है लेकिन आप आओगे अपने फ्रेंड्स को लेके आओगे और आपके जितने क्वेश्चन होंगे सबका जवाब देने के लिए अप तैयार है थैंक यू सो मच गुड नाइट